अब तक इस हिमाचल के सफ़र में हम आए हैं नाको की विलेज तक, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। मेरे पिछले एपिसोड्स में आप लोग देखे हैं, चंडीगढ़ से ट्रिप शुरुआत करते हुए हम पहले दिन आए थे चिटकुल, फिर चिटकुल से हम कल्पा होते हुए आए थे नाको की विलेज में, जहां हमें एक बहुत ही खूबसूरत सनराइज़ दिखा। द आइकॉनिक नाको लेक वी विटनेस्ड एंड वी कुड हाइक टू अ वंडरफुल व्यू पॉइंट ऑफ नाको। आज के एपिसोड में हम किन्नौर की डिस्ट्रिक्ट को पीछे छोड़ते हुए चलेंगे स्पीति की तरफ। चंडीगढ़ से सुबह 5:30 बजे निकलने के बाद 452 किलोमीटर हमने ड्राइव किया और हम रात को 9 बजे तक आके पहुँचे चिटकुल। ये था हमारा डे वन का सफ़र, जो कि हम शिमला से होकर आए थे, और डे टू में हम चिटकुल से कल्पा होते हुए 148 किलोमीटर ड्राइव करके गए थे नाको की तरफ। आज है डे थ्री, आज हम नाको और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को पीछे छोड़ते हुए चलेंगे स्पीति की तरफ। स्पीति में जो सबसे पॉपुलर जगह है वो है काजा, लेकिन हम उनसे भी थोड़ा आगे जाके रांगरिक नाम के एक गाँव में जाके रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर स्नो भी ज़्यादा है और नेचुरल ब्यूटी भी। वी आर लेट टेरिबली एंड वी आर ऑलमोस्ट 2 hours लेट जस्ट टू स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम नाको टू काजा फॉर ऑब्वियस साइट सींग रीजन्स। राइट नाउ द ड्राइवर इज इंसिस्टिंग ऑन नॉट टू एक्सप्लोर द पिन वैली बिकॉज दैट विल बी टू लेट फॉर काजा, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स सी हाउ कैन वी मैनेज थिंग्स। थोड़ा लगेगा इधर आराम से, आराम से जी, क्लियर है, बस परफेक्ट, रेडी। अभी 11:15 हो चुका है सुबह का और हम जा रहे हैं ताबो के लिए। ताबो में 2 मोनेस्ट्रीज हैं, एक नया वाला और एक पुराना वाला। हम वो मोनेस्ट्रीज घूमेंगे और वहाँ पे लंच करेंगे, फिर हम निकलेंगे रांगरिक की तरफ। इस नदी का नाम है स्पीति नदी और यहाँ से स्पीति का डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है और किन्नौर का डिस्ट्रिक्ट खत्म। गाड़ी चलाना मुझे बहुत पसंद है, मुझे गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है, और स्पीति की पहाड़ की इन रास्तों में गाड़ी चलाने का ऑप्शन अगर मिले तो मेरे ख्याल से ज़रूर कोई ना नहीं बोलेगा। बट यस, पहाड़ों पर गाड़ी चलाना बहुत रिस्की होता है, अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं हो बिल्कुल ये ट्राई मत करना। इस रास्ते में बहुत सारी जगहों पे ऐसे ग्लेशियर्स गिरे हुए मिले, लेकिन ये वाला हटाना ज़रूरी था, नहीं तो गाड़ी जा नहीं पाता। मेरे ख्याल से ये अभी अभी गिरा होगा, क्योंकि इससे पहले जो भी गाड़ी गया होगा वो तो पास कर चुके थे। नाको से ताबो का डिस्टेंस है 64 किलोमीटर्स, और करीब 2 घंटे ड्राइव के बाद हम पहुंच गए ताबो। लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ताबो एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा और छोटा सा गांव है। यहां के लोगों का कहना है कि यहां का जो पुराना वाला मोनेस्ट्री है वो करीब 1000 साल पुराना है, और उसी के साइड में एक नया मोनेस्ट्री भी बनाया गया है। स्वयं दलाई लामा जी खुद मानते हैं कि ये ताबो का मोनेस्ट्री दुनिया का सबसे पवित्र में से एक है, और वो भी रिटायर करने के बाद अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन यहीं पे बिताना चाहते हैं। ही वांट्स टू रिटायर एंड सेटल डाउन हियर। इन 1996 द दलाई लामा कंडक्टेड द काला चक्र इनिशिएशन सेरेमनी इन ताबो, विच कोइंसाइडेड विद द मिलेनियम एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ द ताबो मोनेस्ट्री। द सेरेमनी वॉज अटेंडेड बाई थाउजेंड्स ऑफ बुद्धिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। The altitude of this monastery is 10,760 feet, which is 3,280 meters. Thank you.
बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी है, अब तो लंच करना ही पड़ेगा। हमने लंच किया कैफ़े हिमालयन टापू में। यहाँ पे जाते ही हमने एक एक करके ऑर्डर कर दिया सारा का सारा खाना। नूडल्स, रोटी, पनीर बटर मसाला एंड एग राइस। हाउ इज़ द फूड अंशुमन? कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके ओके। शाम होने से पहले हमको रांगरिक तक जाना था, तो हम जल्दी से निकल गए तुरंत लंच करने के बाद। काजा के नज़दीक पहुंचते ही हमें ये अमेजिंग सा फ्रोजन वाटरफॉल दिखा। स्पीति के पहाड़ों के दूसरे साइड में बर्फ पिघलने के बाद भी ये वाला वाटरफॉल फ्रोजन क्यों है, वो यहाँ पे आने के बाद हमको समझ में आया। ये वाला कैनल जैसा एरिया दोनों पहाड़ों के बीच में आता है और यहाँ पे बहुत ही कम धूप आता है, इसलिए ये फ्रोजन रहता है। उस वाटरफॉल के बाद से हम जितना काजा के करीब जाते गए हमको स्नो और दिखने लगा, लेकिन जैसे ही हम रांगरिक की तरफ पहुंचे मानो जैसे एक मिरेकल ही हो गया।